हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आप सबको और इस वीडियो में और चैनल के स्वागत है। तो गाइस ये जो स्पेशल वीडियो है, ये स्पेशल से भी स्पेशल है, महाधमाकेदार कलाकेदार स्ट्रीमिंग वीडियो होने वाला है। भाई महाधमाकेदार वीडियो होने और भाई आज स्ट्रीम में यहाँ पर MHDO महेंद्र सिंह धोनी उस टीम का हुआ है। यहाँ पर क्या है बोले, चिंता क्या है, यहाँ पर टेंशन क्या है इस टीम को, CSK को, क्योंकि भाई कैप्टेंसी का तो यहाँ पर फायदा जरूरी है दे रहे हैं, विकेट कीपिंग का फायदा भी जरूर दे रहे हैं। क्या बोले, आज है ऑलरेडी MHDO का जन्मदिन, मतलब हमारे ही गुरुदेव का जन्मदिन। अब भैया मैं बड़ा इनका बहुत ही बढ़िया फैन हूँ, मतलब बहुत ही बड़ा भक्त हूँ यहाँ पर, आप लोग भी होंगे। तो भैया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर उनका हैप्पी बर्थडे विश की दीजिए, और मैं भी बोल रहा हूँ और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से उनको विश हुआ मेरी मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत जन्मदिन का शुभकामना आपको यहाँ पर, हमारे गुरुदेव को यहाँ पर, महेंद्र सिंह धोनी जी का। और भैया आप लोग यहाँ पर हैप्पी बर्थडे लिख दीजिए हमारे कॉमेंट बॉक्स में, जो जो यहाँ पर माही के फैन है हमारे, भैया माही ऑलवेज मार रहा है। भैया यहाँ पर बोलते थे CSK के यहाँ पर फैंस के लिए की भैया यहाँ पर इस वीडियो में जरूर आप लोग 5 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बोलेंगे जिनको चैनल सुपर किंग्स कहने गए मिनी ऑप्शन हो जाते, इसमें जरूर टारगेट करने के लिए जाएंगे भैया, जरूर मोहर लगाएंगे। तो गए वीडियो जरूरी इंपॉर्टेंट है CSK के लिए, फैंस के लिए, मतलब आप लोगों के लिए। वीडियो के नीचे लाइक बटन है, आप लोगों को जरूर दिख रहा है, हिट द लाइक बटन। चैनल में ऐसे ही क्रिकेट के अपडेट, CSK रिलेटेड अपडेट्स पाना, तो भैया शुभकामनाएं दे रहा है। लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अभी आप लोग हमारे चैनल के सारे वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। चैनल सुपर किंग CSK भैया क्या ही बोले, ये तो भैया हर समय तैयार ही रहते हैं, क्या ही बोले। CSK ऑलरेडी 4 बार की चैंपियंस रह चुके हैं, 2021 में उनका लास्ट बार का जो चैंपियंस थे ये 2021 में थे, 2022 में परफॉर्मेंस उतना अच्छा था नहीं, यहाँ पर 9वें नंबर पे यहाँ पर खत्म के 9वें नंबर के पोजीशन में यहाँ पर, क्या ही बोले। यहाँ पर 2023 में आगाज बहुत ही बढ़िया करना चाहेंगे, तो भैया यहाँ पर जरूरी है 5 प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होने, तो क्या ही बोले भैया IPL की हिस्ट्री में 4 बार जीत चुके हैं MHDO के कप्तान से, और क्या ही बोले MHDO है ही भैया कैप्टन कूल, और भैया क्या ही बोले ये बहुत ही बढ़िया एज अ बैट्समैन, एज अ विकेट कीपर, एज अ फिनिशर, एज अ माइंड स्टॉर्मर, एज अ कूल प्लेयर, भैया क्या ही बोले। इनके बड़े मतलब सारे कूट कूट के गुण भरे हुए, इनका जन्मदिन तो जरूर है, हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए अभी भी नहीं किया है तो। तो कैसे ऑलरेडी 5 प्लेयर्स हम लोग पहले से ही भर रोज देते, पहला है यहाँ पर सैम करन, भैया सैम करन को रखूंगा, जानते हैं भैया ऑलराउंड परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, ये इंग्लैंडी प्लेयर है, भाई देसी प्लेयर, क्या है यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हैं। ऑलरेडी इनका था यहाँ पर, ये जो था इनको मतलब इनके टीम में थे 2020 में और 21 में, इनको 2022 में किसी कारण से खेले नहीं थे, इनको रिलीज किया था। हाँ भैया ठीक सुना, यहाँ पर किसी कारण से खेले भी नहीं थे मिनी ऑक्शन में, तो कैसे यहाँ पर जरूर यहाँ पर ऑलरेडी आएंगे मिनी ऑक्शन में, उपलब्ध रहेंगे, तो इनको कहीं ना कहीं टारगेट करेंगे CSK, क्योंकि भैया पॉकेट डायनामाइट भी बोल सकते हैं इनको, भैया जरूर टारगेट करेंगे। दूसरे नंबर के प्लेयर यहाँ पर सुरेश रैना को रखूंगा, हाँ भैया यहाँ पर थला है तो चीना थला का तो जरूर चाहिए होगा, क्योंकि भैया इनको ऑलरेडी रिलीज कर दिया था और 2022 में ये थे, मतलब इनको अनसोल्ड रह गए थे ये जो है, तो 2023 में यहाँ पर मिनी ऑक्शन में आ रहा है, तो भाई यहाँ पर जरूर टारगेट करेंगे CSK फैंस, मतलब CSK का फ्रेंचाइज, क्योंकि भैया ये ब्रांड वैल्यू जानते हैं। 3 नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पर रखा हूँ मैंने दाविद मलान, डेविड मलान को रखूंगा, क्योंकि भैया जानते हैं इस प्लेयर का महत्व, पूर्ण प्लेयर है, यहाँ पर क्या ही बोले सेंचुरी जड़ा था इनके मैच में वहां पर नेदरलैंड वर्सेस इंग्लैंड में, वहां पर जड़ दिया था वर्ल्ड रिकॉर्ड, यहाँ पर 498 सबसे हाईस्ट स्कोर बना दिया था यहाँ पर ODI में से, दाविद मलान का बहुत ही बढ़िया भूमिका यहाँ पर पालन किया था, यहाँ पर सेंचुरी के ऊपर बना दिया, सेंचुरी बना दिया था, और ये ओवरऑल ये प्लेयर बहुत ही बढ़िया, इनको टारगेट करेंगे, मिडिल ऑर्डर में गेम चलाएंगे, बहुत ही बढ़िया गेम चलेंगे। 4 नंबर के प्लेयर यहाँ पर रखा मारकुडा, भैया आप लोग बोला जाए ऐसा फॉरेन स्लॉट यहाँ पर अगर खाली दिखता है तो मारकुडा एक बहुत ही बढ़िया महिला है, जिस हिसाब से सजेशन होंगे, क्योंकि भैया बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फॉर्मेट के प्लेयर है, तीनों फॉर्मेट में अपने टॉप 10 के अंदर नाम घुसा के रखा है, क्या ही बोले यहाँ पर नाम सुमार है इनका, क्या ही बोला नहीं है। 5वां एंड लास्ट प्लेयर यहाँ पर बोलता है क्रिस ओक्स, हाँ भैया ये भी एज अ विदेशी प्लेयर, एज अ विदेशी पेसर, ये भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, ये भी इंग्लैंडी प्लेयर है, क्या ही बोले बहुत ही बढ़िया। और भैया एक एक्स्ट्रा बोल देते आप लोग मिचेल स्टार्क का नाम आ भैया, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भैया मिचेल स्टार्क का क्यों नहीं बोला, मिचेल स्टार्क का मैं ऐसे ही नहीं बोलता, क्योंकि भैया यहाँ पर जो मिचेल स्टार्क अभी भी मिनी ऑक्शन में आने के लिए नाम अपना नहीं लिखवाया, इसलिए मैं नहीं बोलता, फिर यहाँ पर बोल देता, अगर नाम लिखा होता तो CSK ये टीम जरूर जाएगी, इनको पीछे मतलब इनके पीछे भागेंगे जरूर। तो कैसे ये जो 5 प्लेस और ये जो एक्स्ट्रा प्लेस आप लोग बोले, तो कैसे इनको जरूर यहाँ पर जरूर से यहाँ पर CSK के यहाँ पर फैंस मतलब उत्सुक हो जाए, CSK फ्रेंचाइज इनको जरूर टारगेट करने जाएंगे, इनके ऊपर मोहर जरूर लगवाएंगे, हाँ भैया यहाँ पर गारंटी देकर बोल रहे हैं, इनको जरूर ही टारगेट करेंगे, पाना ही नहीं पाया तो भैया यहाँ पर दूसरे टीम के इम्पैक्ट की तरह यहाँ पर देखना पड़ेगा यहाँ पर जो है। तो कैसे ऑलरेडी यहाँ पर जो है ऑलरेडी परोस दिया आप लोग, वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो फट टैक्स लगे चैनल को नीचे चैनल सब्सक्राइब कर लो, प्रेस कर लीजिए। तो कैसे आज के लिए इतने मिलता है और इंटरेस्टिंग वीडियो।